होगा क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ए बहन, रशीदा नाम है मेरा और डरती तो मैं किसी के बाप से भी नहीं हूँ। ये जो तुम लोग अंदर ठूस ठूस कर आए हो ना, और ये जो गिलास पकड़े हुए, ये जिसकी कमाई का ना वो उबैद मेरा रिश्तेदार है, हमारा रिश्तेदार। मनाहिल, मेरी जान, तुम यहाँ क्यों चली आई? मेहमान के मजीद तमाशा नहीं बन सकती थी मामा, आपको पता है ये सब किया जा रहा उन दोनों माँ बेटियों का। हाँ, लेकिन वो लोग खुद तो नहीं आए होंगे, किसी ने तो इनवाइट किया ही होगा ना? नहीं मामा, सबको उनके नेचर का पता है, जहाँ पे भी जाती तमाशा करती हैं, तो फिर कोई क्यों बुला के मेरे बर्थडे खराब करेगा? वेल, मे बी महरीन। खुदा खैर करे, ये दरवाजे पर ताला कैसे? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो दरअसल, अच्छा, आप दरवाजे पर ताला देखकर परेशान हो गई हैं। परेशानी की कोई बात नहीं है, रशीदा मुझे चाबी देकर गई है। बता कर दी कहाँ गई? बता कर तो वो कुछ नहीं की, मगर दोनों माँ बेटी की तैयारी से ऐसा लग रहा था कि किसी शादी में जा रही है। शादी में? अच्छा, आप अंदर तो आए ना। नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं आऊंगी, आप चाबी ला दीजिए, मैं आराम करूंगी। अच्छा, जैसे आपकी मर्जी। आखिर ये लोग अचानक कहाँ चली गई? नहीं मामा, वो क्यों मेरा बर्थडे खराब करेंगी? तुम्हें क्या लगता है महरीन ने इतना बड़ा सेलिब्रेशन तुम्हारी खुशी के खातिर किया? ऑफ कोर्स मामा, आपको नहीं लगता ऐसा? नो, क्योंकि मैं सच्चाई जानती हूँ। कौन सा सच? महरीन ने ये सब तुम्हें मुझसे दूर करने के लिए किया बेटे, तुम्हें यकीन दिलाने के लिए कि मुझे तुम्हारी सगी माँ होकर इतनी परवाह नहीं है तुम्हारी, जितनी उससे एक सौतेली माँ होकर तुम्हारी हर खुशी का ख्याल है। वरना देखो ना, उसने कभी अपनी सगी बेटी के लिए तो कोई सेलिब्रेशन नहीं की, कोई पार्टी नहीं की, और अपनी सौतेली बेटी के लिए इतना सब कुछ। I mean, come on, मना है। हो सकता है, मुझे लग रहा है आप शायद ठीक कह रही मामा, मुझे किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। मैं तो बात करती हूँ सच्ची, तुम्हें चाहे अच्छी लगे या बुरी लगे। अरे रशीदा नाम है मेरा, डरती तो मैं किसी के बाप से भी नहीं हूँ। अपनी बेटी महरीन को देखा? अरे तौबा, क्या तोता आंखें बदलेगा जो उस लड़की ने बदली है मुझसे? आप कहना क्या चाह रही हैं भाभी, मैं समझी नहीं। हाँ, नन्ही हो ना, छोटी सी बच्ची, तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अरे मेरे मुँह से सच सुनना चाहती हो तो लो सुनो। तौबा है, मनाहिल का इतना बड़ा फंक्शन है रात को है, और हमें भनक तक नहीं पड़ने दी उस लड़की ने। वो तो अल्लाह भला करे नफीसा बेगम का कि उन्होंने फोन कर लिया कि भाई रात को आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, वरना हमें तो हवा तक नहीं लगने दी थी तुम लोगों ने। तुम तो चाहती नहीं हो कि मैं तुम्हारी बेटी के घर जाऊं। ये लो। लेकिन ये किस लिए? ए, पकड़ो तो सही, रखो अपने पास। देखो, सारा पढ़ाई करना मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही,
तुम ऐसा करो कि मोहल्ले की जो डॉक्टरनी है ना उससे जाके अपने लिए दवा ले आओ। भाभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थकन है, आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। दरअसल तुम्हारी ना साजिश है मुझे बदनाम करने की। आज मोहल्ले वालों को दिखाओगी कि तबीयत खराब है और भावज ने पैसे नहीं दिए दवा लाने के लिए, तो मैं तो बदनाम हुई ना फिर। परेशानी की कोई बात नहीं, रशीदा मुझे चाबी देकर गई है। बताकर तो नहीं, कहाँ गई? बताकर तो कुछ नहीं की, मगर दोनों माँ बेटी की तैयारी से ऐसा लग रहा था कि किसी शादी में जा रही है। क्या हुआ, यहाँ क्यों आ गई तू? जानती हो ना सब लोग नीचे तुम्हारी वजह से इकट्ठे हुए हैं, और अभी तुमने केक भी काटना है। इतना सब हो जाने के मैं केक नहीं काटूंगी, मुझे नहीं जाना वहां पर। देखो मनाहिल, मैं मानता हूँ कि वो माँ बेटियां हम लोगों से बहुत मुख्तलिफ हैं और उनकी बातों को बर्दाश्त करना भी कोई आसान काम नहीं है, लेकिन जो भी हैं वो हमारे मेहमान हैं और हमें उन्हें दूसरे मेहमानों की तरह ही ट्रीट करना है। मगर बाबा, वो हम होस्ट भी है ना, हर चीज का एक तरीका होता है। चलो मेरे साथ। मनाहिल चलो। आप ही आ जाए, मैं नहीं चाहता कि अब मजीद किसी को कोई और बात करने का मौका मिले। जरूर इसके पीछे इनका कोई शैतानी मंसूबा होगा। अब देखो महरीन के घर पहुंच गई। हमी सिर्फ पहुंची नहीं है, दोनों माँ बेटी ने मिलकर आप ही और उबैद भाई का अच्छा खासा तमाशा बना दिया। आपको पता है ये जान करके कि दोनों उबैद भाई के रिश्तेदार हैं, लोग किस नजरों से देख रहे थे और न जाने क्या क्या बातें कर रहे थे। और रही सही कसर आयशा ने आकर, ये आयशा को किसने बुलाया था? हमीद, मुसीबत को कौन दावत देता है, वो तो बिन बुलाया आ जाता। अच्छा ये बताओ कि इतना सब कुछ हुआ है तो महरीन और उबैद के रिश्ते में तो कोई तलखी नहीं आई? मेरे सामने तो दोनों नॉर्मल बिहेव कर रहे थे, अब पर्सनल में उन दोनों ने क्या बात की होगी मुझे कोई आइडिया नहीं। दोनों के रिश्ते में कोई, अम्मी आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि आयशा के आने से या ममानी या फरा के आने से उन दोनों के दरमियान बात खराब होगी। तुमको नहीं पता बेटा, मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत मजबूत होता है, लेकिन जरा सी मामूली सी बात से भी इस पे बड़ा गहरा असर पड़ता है। ठीक है मम्मी, मुझे उबैद भाई एक बहुत समझदार इंसान लगता है, वो किसी भी वजह से अपने और आपा के दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे। अरे बेटा मर्द का मिजाज तो बिल्कुल मौसम की तरह होता है, तुम नहीं जानती कि कब वो मेहरबान हो जाए और किस वक्त बेरहम हो जाए। कह तो आप ठीक रहे, बस दुआ करें सब कुछ अच्छा हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। अल्लाह मालिक है, चलो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्यों कर रही है ऐसा? मैंने क्या किया? मुझे मनाहिल की नजरों से गिराकर आपको क्या हासिल होगा? मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो? महरीन, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ आपने क्या किया है, क्या कर रही है और आगे क्या करने का इरादा रखती है। नहीं, मैं नहीं जानती, तुम बताओ। नहीं जानती कि मनाहिल को अपनों से बदगुमान कर आपको क्या हासिल होगा।
लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि अगर आज मनाहिल अपनों से दूर हो गई ना तो किसी पे एतबार नहीं कर पाएगी वो, उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तुम मनाहिल के हमदर्द बनने का दिखावा करके उबैद को तो इम्प्रेस कर सकती हो लेकिन मुझे नहीं। मैरीन दिखावा वो लोग करते हैं जो झूठ को सच साबित करना चाह रहे हैं। मेरे दिल में मनाहिल के लिए जो भी है वो सच है। तुम्हारे सच के साथ ये हकीकत भी जुड़ी हुई है कि मनाहिल इज माय डॉटर और उसकी जिंदगी से तुम मुझे नहीं निकाल सकती। तुम कुछ भी कर लो तुम आयशा नहीं बन सकती। मुझे आयशा बनना भी नहीं क्योंकि आयशा बनने का मतलब यह है कि मैं अपने शौहर की मोहब्बत से महरूम हो जाऊं जो मेरी जिंदगी है। माँ होने के एहसास से महरूम हो जाऊं जिस रिश्ते पे मुझे नाज है। इस घर की चार दीवारी से दस्तबरदार हो जाऊं जिसकी वजह से मैं फख्र से सर उठाकर जीती। मैं आपकी तरह बहादुर नहीं हूं कि खाली दामन लेकर भी मुतमईन जिंदगी गुजार सकूं। नो जस्ट शट अप। केक काटते वक्त अगर आप मनाहिल के साथ होंगे उसे अच्छा लगेगा। प्लीज आ जाइए। की सहेली के यहाँ गई थी या मैरीन के यहाँ बिन बुलाए मेहमान बनकर गई थी? रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ज़हन असीर, आज हमारी किस्मत कैसे जाग उठी कि उबैद हसन हमसे मुखातिब होने के ख्वाहिशमंद है। मेरी किस्मत आज घर वापस आने का इरादा नहीं है आपका? यही समझ रहा। मतलब? आपा बोल रही थी कि बर्थडे पार्टी खत्म होने में तो देर लग जाएगी तो तुम मेरे पास ही रह जाओ। तो मतलब कि आज आप वहीं रुकेंगे? हाँ। ओके। हेलो हेलो, इसे क्या हुआ? रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ज़हन असीर, आज हमारी किस्मत कैसे जाग उठी कि उबैद हसन हमसे मुखातिब होने के ख्वाहिशमंद है? इस बात का तो मुझे पता था कि तुम कितनी खुदगर्ज़ हो लेकिन इस बात का अंदाजा आज हुआ है कि मनाहिल के मामले में तुम कितनी बेहिस हो। मैंने मनाहिल के साथ क्या किया? महरीन को नीचा दिखाने के लिए तुमने उसे इस्तेमाल किया है। महरीन के रिश्तेदारों को बुलाकर तुमने मनाहिल का बर्थडे इवेंट खराब किया सिर्फ इसलिए कि वो ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि महरीन उसकी खुशी नहीं चाहती और वो सब दिखावा कर रही है। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने उन लोगों को बुलाया था? सबूत की जरूरत नहीं है, अच्छी तरह जानता हूँ कि इस बात का सबसे ज्यादा फायदा किसको था।
Listen to me, Ubaid. तुम नहीं जानती कि महरीन ने कितनी मेहनत से और कितनी मोहब्बत से ये सब कुछ अरेंज किया था। और उसे एंड में क्या मिला? सिर्फ दुख। Wow, this is unbelievable. वो औरत जिसने मेरा शौहर, मेरा घर, यहाँ तक कि मेरी औलाद भी मुझसे छीन ली, वो बेचारी है। और मैंने जिसने कुछ भी नहीं किया उसके साथ, मैं जालिम हूँ? उसने किसी से कुछ नहीं छीना। तुमने जो कुछ खोया है अपने हाथों से गंवाया है। हाँ ठीक है, मैंने अपनी नादानी में सब कुछ गंवा दिया, लेकिन वो सब कुछ तुम मुझे वापस भी तो लौटा सकते हो। होश में रहकर बात करो, जानती हो कि क्या बात कर रही हो तुम? मैं होश में ही हूँ बेहद। तुम्हारी जिंदगी में आने के लिए अब कोई भी रुकावट नहीं है। मेरी दूसरी शादी भी टूट चुकी है, तुम महरीन को अपनी जिंदगी से निकाल दो। वैसे भी तुम दोनों के दरमियान सिर्फ समझौते का रिश्ता है और हमारे दरमियान तो मोहब्बत, शादी और औलाद का रिश्ता है। जिस औरत ने अपनी आजादी और अपनी खुशी की खातिर सब कुछ छोड़ा, अपनी औलाद तक को छोड़ा, उस पर मैं तो क्या दुनिया का कोई भी मर्द भरोसा नहीं कर सकता। You're insulting me. Because you deserve it. अब आप जा सकते हैं। अब देखो ना, ना सिर्फ हमें बुलाया बल्कि हमारे लिए गाड़ी भी भेज। ये तो है। और उस महरीन को देखो, एहसान फरामोश को कितना किया हमने उसके साथ और उसने हमें पूछा तक नहीं। बस अम्मा, बड़े घर में क्या चली गई, मगरूर हो गई है ना अब तो। खाना भी कितना मजे का था। आ गए तुम? मुझे छोड़ो, ये बताओ कि तुम फरा को लेकर गई कहाँ थी? वो ना इसकी सहेली के घर, वो उसने उसकी सालगिरह थी ना, तो उसने हमें बुलाया था दोनों को, तो हम चले गए बस। हाँ, फरा की सहेली के यहाँ गई थी या मेहरीन के यहाँ बिन बुलाए मेहमान बनकर गई थी? लगा दी तुम्हारी बेटी ने तुम्हें शिकायत और तुमने फौरन इनके कान भरे ताकि हम पे बरस पड़े, है ना? नहीं भाभी, मैंने कुछ नहीं कहा। ऐसी ही बात है, और अगर ऐसी बात ना भी हो ना तो मेरी जूती को गढ़नी पड़ती है। रशीदा नाम है मेरा, रशीदा। डरती तो मैं किसी का बाप से भी नहीं हूँ। और हाँ सुनो, गई थी मैं वहाँ पर और दोबारा भी जाऊंगी, और बिन बुलाए नहीं गई थी वहाँ पर। बुलाया गया था खास तौर पे हमें और कहा था कि मेहमान बनकर आओ वहाँ पर। कैसे गई है पीछे पीछे? रंग में भंग के इन लोगों ने डाल रही था। वो सोच बिरयानी और वो कितना मजे का था कोरमा। अरे थैली ले जाते। अल्लाह, रह गई थैली वहाँ। थैली लेके जाती, एक कोई अच्छा सा ब्रांडेड बैग लेके जाते, उसमें भर के ले आते। अरे आपको बताया तो था कि मैं आज आपा के ही रुकूंगी। बताया तो था मगर अम्मा ने आपको भेज दिया होगा। नहीं, मैं खुद आया हूँ यहाँ पे। क्यों आले? क्योंकि मैं आना चाहता था। तुम ये बताओ कि तुम्हें मेरे साथ घर चलना है या यहीं रुकना है? अदील, ऐसे अचानक से जाने की वजह मैं आपा को क्या बताऊंगी? कह देना कि मेरी माँ ने तुम्हें बुलाया है, वहाँ के घर वाले तुम्हारी गैर हाजिरी को महसूस करते हैं और उनमें मैं भी शामिल हूँ। अच्छा, मैं पापा को बता कर आती हूँ। जल्दी आना।
चाहे आयशा बनना भी नहीं, क्योंकि आयशा बनने का मतलब यह है कि मैं अपने शौहर की मोहब्बत से महरूम हो जाऊं, जो मेरी जिंदगी है। माँ होने के एहसास से महरूम हो जाऊं, जिस रिश्ते पे मुझे नाज है, इस घर की चार दीवारी से दस्तबरदार हो जाऊं, जिसकी वजह से मैं फख्र से सर उठाकर जीती हूं। मैं आपकी तरह बहादुर नहीं हूं कि खाली दामन लेकर भी मुतमईन जिंदगी गुजार सकूं। खाना नहीं खाया है तो चलो कहीं चल के खाना खा लेते हैं। ये दे मुझे भूख नहीं है। मुझे वाकई भूख है, सच कह। आप जल्दी से घर लेकर चले, मैं इंतजार कर रही हूँ। हमारा ठीक है, या उसकी जिंदगी में लौटने में अब कोई दिलचस्पी नहीं, मैं सिर्फ उसको बर्बाद करना चाहती हूं। और मिनाहिल, मिनाहिल को तो बहुत जल्द पता चल जाएगा उसकी लाइफ में जो कुछ बुरा हो रहा है उसकी वजह वो महरीन और उबैद हसन का रिश्ता है। मेरी किस्मत आयशा, क्या है ये सब कुछ? तुम वहां से इस तरह क्यों चली आई? और मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही हूं, तुम कॉल भी रिसीव नहीं कर रही हो। मैं आज तक उबैद की हर बात, हर रवैया बर्दाश्त करती रही, सिर्फ इसलिए कि मुझे लगता था कि आज भी उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ आयशा बसती। मगर क्या? आज उसकी जबान से खुद के लिए जो अल्फाज सुने मैंने, उसके लहजे में जो हकारत थी, मुझे यकीन हो गया कि उसकी जिंदगी में, उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ उस महरीन की हुक्मरानी है। और एक मामूली औरत को खुद पे तरजीह देने पर मैं उस उबैद हसन को कभी भी माफ नहीं कर सकती हूं। आयशा, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं उबैद हसन से उसकी खुशियां, उसका सुकून, उसके सारे रिश्ते छीन लूंगी और उस महरीन के गुरूर को पाश पाश कर दूंगी। आयशा, मत भूलो, हमारी दुश्मनी सिर्फ महरीन से है। तुम जो भी करोगी उसमें उबैद को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। याद रखो, अगर उबैद को कोई भी नुकसान होता है तो तुम वापस उस घर में लौटकर कभी नहीं जा सकती। और उसे नुकसान होने की सूरत में मनाहिल भी तुमसे नफरत करने लगेगी। मुझे उबैद हसन या उसकी जिंदगी में लौटने में अब कोई दिलचस्पी नहीं, मैं सिर्फ उसको बर्बाद करना चाहती हूं। और मिनाहिल को तो बहुत जल्द पता चल जाएगा उसकी लाइफ में जो कुछ बुरा हो रहा है उसकी वजह वो महरीन और उबैद हसन का रिश्ता है। तुम पागल हो गई हो? क्या क्या करना चाहती हो?
खाना खा। मुझे नहीं खाना, उठाना और ले जाना। जो कुछ भी हुआ है अगर उसका जिम्मेदार मुझे ठहरा रही हो ना तो मुझे सजा दो। अपने आप को अजियत क्यों दे रही हो तुम? आप चाहती क्या है? यही चाहती थी ना कि मेरी बर्थडे पार्टी खराब हो जाए, मैं तमाशा बनूं सबके सामने, और ये सब कुछ जो हुआ उसकी जिम्मेदार मेरी मामा ठहरे। सब तो हो गया और क्या चाहिए आपको? मनाहिल, अभी एहसास और हमदर्दी का ड्रामा करके क्या हासिल करना चाहती हैं आप? जब से इस घर में आई हूँ एक ही चीज हासिल करना चाह रही हूँ, तुम्हारा थोड़ा सा एतबार। लेकिन क्या करूँ, मेरी बदकिस्मती है कि हर बार नाकाम हो जाती हूँ। मुझ पर आपकी ना इन जज्बाती बातों का कोई असर नहीं होगा। मेरी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं है मेरे पास, लेकिन अगर यकीन कर सको तो कर लो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे तुम्हें तकलीफ पहुंचे। तो आप कहना क्या चाह रही हैं कि जो कुछ भी किया वो मेरी मामा ने किया है, वो मेरी खुशियों की दुश्मन है? आपके कहने का ये मतलब है? हाँ, आपकी खामोशी ना मुझे यकीन दिलाने के लिए काफी है, मैं सही हूँ आप गलत हैं। बेगुनाह वो भी हो सकते हैं ना जिनके पास अपनी बेगुनाही का सबूत ना हो। अगर आपका हो गया और आपको मजीद कुछ नहीं कहना तो उठाइए खाना और जाए यहाँ से। मनाहिल, दरवाजा वहां पे, आप चली जाए। फासले कैसे हो गए तुमसे हमसे तुम? शुक्रिया। किस लिए? इतनी रात को मुझे घर वापस लाने की जहमत के लिए? ये जहमत मैंने तुम्हारे लिए नहीं, खुद अपने लिए की है। मुस्कुराते हुए बहुत अच्छी लगती है। मेरे ख्याल से रात बहुत हो गई है, मुझे चलना चाहिए। अच्छा सुनो, जाने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। कौन सा सवाल है? क्या तुम अपनी सारी जिंदगी मेरे साथ गुजार सकती? आप अपने लिए मेरी फीलिंग्स जानते हैं, तब भी आपको जवाब की जरूरत है? हाँ चाहिए। मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक आपका साथ चाहती हूँ। मगर अगर हम दोनों का एक होना नामुमकिन है तो क्यों? मेरा रिश्ता तय कर चुकी है और मैं उनको इनकार नहीं कर सकती। उनको इनकार करना मतलब उनका मान तोड़ना। मुझे पता है ऐसा करने से उनको बहुत तकलीफ होगी। इसका मतलब है कि तुम वहां शादी कर लोगे? जब मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ तो किसी और से शादी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर क्या मसला है? हदीम, मैं आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ना चाहती हूँ, मगर मेरी अम्मी और आपके अब्बू के खिलाफ जाकर नहीं, उनकी रजामंदी और खुशी के साथ। ठीक है,
कहाँ रह गई थी आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। वो सब कुछ संभालना था ना नीचे, इसलिए रुक गई थी। अच्छा, मैं समझा आप मनाहिल के साथ थे। हाँ, पार्टी के बारे में बात करनी थी उससे, अपनी फ्रेंड्स के बारे में बता रही थी मुझे। और क्या कहा मनाहिल? बहुत खुश हो रही थी वो, थैंक यू कह रही थी मुझे। आप ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं झूठ थोड़ी कह रही हूं आपसे। समझ में नहीं आ रहा कि आपकी जो जुबान कह रही है वो सच है या आपके बहते हुए आंसू। मैं जो कुछ भी मनाहिल के लिए करती हूँ अपनी मोहब्बत में करती हूँ। फिर उसे क्यों ऐसा लगता है कि मैं उसे उसकी माँ से दूर कर दूंगी या उनकी जगह ले लूंगी? वो बात बात में मुझसे नाराज क्यों हो जाती है? क्या आपको भी यही लगता है कि मैं मनाहिल को हर्ट करना चाहती हूँ या उसे दुख देकर मुझे खुशी मिलती है? नहीं नहीं, कभी ऐसा सोचेगा भी मत। मैं कभी आपके जज्बों की सच्चाई पर शक नहीं करता। और रह गई बात मनाहिल की, उसे थोड़ा वक्त दीजिए। जब वो आपको समझ लेगी तो फिर आपके सिवा किसी और पर यकीन नहीं करेगी। ऐसा वक्त आएगा? जरूर होगा। अगर मैं तो महरीन, आप मुझ पर ट्रस्ट करती हैं ना? मुझसे भी ज्यादा। बस तो फिर सही वक्त का इंतजार करें। वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप लोग क्या अंदर आने का नहीं कहेंगे? अरे नहीं, आइए आइए आइए। बैठिए आप लोग जी, बैठिए। आपने अम्मा को देखा है? मुझे कहीं नजर नहीं आ रही है। अम्मा से ज्यादा तुम जानती हो कि वो कहाँ है। क्या बात है, तुम परेशान दिख रही हो। अम्मा मुझे कहीं नहीं दिख रही, पूरा घर देख लिया है मैंने। सुबह सुबह कहाँ जा सकती हैं? पता नहीं, जब मैं उठा था तो मुझे अब्बा भी दिखाई नहीं दिए। हो सकता है दोनों एक साथ गए हो। अच्छा आप उन्हें जल्दी से फोन करें, मुझे बहुत फिक्र हो रही है उनकी। हाँ करते हैं। लगता है मैं फोन ऊपर ही भूल गया हूँ। मैं लेकर आ जाती हूँ। तुम रुको, मैं खुद ले आता हूँ। लगता है तुम दोनों का रिश्ता काफी आगे बढ़ चुका है, आपसे तुम बन चुके हैं। रिश्तों की अहमियत आप या तुम से ज्यादा एक दूसरे के लिए जरूरी होने की हो। अदील की हकीकत जानने के बाद भी अगर तुम उस पर यकीन कर रही हो नुकसान उठाओगे तुम। मेरा नफा नुकसान आपका मसला नहीं, इसलिए बेहतर यही होगा कि मेरे बारे में फिक्र करके हलकान ना हुआ।
आज इस लड़की को धक्के दे के ना निकलवाया तो मेरा नाम भी शाइस्ता नहीं है। ये क्या सोने के हैं आपके, कितने प्यारे लग रहे हैं। जी शुक्रिया। सोने के हैं शाहीन। शुक्रिया, बैठिए तशरीफ रखिए। और आपका तो सूट भी बड़ा प्यारा लग रहा है, लालू खेत से लिया होगा आपने भी है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप लोग अचानक यहाँ, मेरा मतलब है खैरियत तो है ना। ये लो, जहाँ हिबा काम करती होगी वहाँ खैरियत होगी, जरूर कोई शिकायत लेकर आए होंगे। भाई बात दरअसल ये है कि हमारी बच्चियों की ना तरबियत अच्छी नहीं हुई हुई, अब बस जहाँ भी जाती है शिकायतों के टोकरे आ जाते हैं। आप लोगों को क्या शिकायत है उससे? रशीदा क्या फजूल बातें लेके बैठ गई हो? इसमें फजूल क्या है, और वैसे भी रशीदा नाम है मेरा, डरती तो मैं किसी के बाप से भी नहीं हूँ। अरे जो सच है वही तो बोल रही हूँ, बताएं क्या शिकायत है आपको? देखिए हम कोई किसी तरह की शिकायत लेकर नहीं आए, और ना ही हिबा से हमें कोई शिकायत। बहन जी हम इसलिए हाजिर हुए हैं कि हम अपने बेटे अदील के लिए आपकी बेटी हिबा का रिश्ता चाहते हैं। हिबा के लिए? जी।